है गायस एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल एस्पेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जिंक डेफिशिएंसी एंड इट्स थेरेपी सो so, चलिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे सिलेबस देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा हमें पढ़ना क्या है सो so, सिलेबस देख आपको समझ में आ रहा है टॉपिक है जिंक डेफिशियंसी एंड देयर थेरेपीज सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सो so, सबसे पहले देखेंगे कि जिंक डेफिशियंसी की वजह से क्या क्या होता है सो so, सबसे पहला है मेल इनफर्टिलिटी यानी मेल क्या हो जाएगा इनफर्टाइल हो जाएगा ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट है हाइपोगिज्म तो एक्चुअल में में होता क्या है ये कैसी बीमारी है जिसमें फेशियल और प्यूबिक हेयर लॉस हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट है आपके स्किन पर क्या है दाने दाने यानी लेसन जैसा आपको क्या है कुछ दिखाई देगा ओके okay, नेक्स्ट है आपके बाउंड हीलिंग में आपको प्रॉब्लम होगी मतलब एक बार कोई घाव लग गया तो उसे भरने में वक्त लगेगा उसके बाद आपको भूख भी नहीं लगेगी मेंटल इथर्जी होगा उसके बाद हाइपोजीनिया हो जाएगा हाइपोजीनिया एक मेंटल हेल्यूसनेशन बीमारी है उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस के चांसेस भी होते हैं सिकल सेल हैनीमिया भी हो जाता है इसकी वजह से तो अब देख लेते हैं हम रोल ऑफ जिंक की आपकी डेली लाइफ में इसका जिंक का क्या यूज है सबसे पहला है सेल रिप्लीकेशन करेगा नेक्स्ट जीन एक्सप्रेस

और उसके बाद क्या है जब आप जिंक सल्फेट या जिंक की ड्रग यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कॉपर डेफिशिएंसी हो जाती है अगर आप कॉपर डेफिशिएंसी ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है आपको कॉपर के कोई भी कैप्सूल्स यूज करने पड़ेंगे सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें